पत्थल गांव का खमगड़ा जलाशय का गेट शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है, जिससे बांध का करीब 2 मीटर तक पानी व्यर्थ बहकर बर्बाद हो गया है। करीब 1 महीने से बर्बाद हो रहे पानी को लेकर सिंचाई विभाग ने सुध तक नहीं ली है, ना मरम्मत कराने में दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि बांध से इलाके की करीब 1500 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। बांध की मरम्मत न होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है। किसानों का कहना है कि खमगड़ा बांध से उन्हें दोहरी फसल का लाभ मिलता है, लेकिन सिंचाई पानी की बेवजह बर्बादी होने से वे ग्रीष्म ऋतु की फसल का लाभ नहीं ले पाएंगे। खमगड़ा डैम के पानी का गेट अज्ञात बदमाशों के द्वारा आज से लगभग 15-20 दिन पहले खोल दिया गया है और लगातार पानी बहने की वजह से इस डैम का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है और ऐसे में विभाग के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में डर बना हुआ है कि जल स्तर काफी कम ना हो जाए और इस बार का जो गर्मी फसल है वो खराब ना हो जाए। लगभग 15-20 दिन हो चुका है इस डैम का पानी बह रहा है और गर्मी फसल के लिए किसान लोग को बहुत तकलीफ जाएगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और विभाग वाले सुन नहीं रहे हैं। पानी नहीं रोके तो गर्मी फसल कमी है जाए काम खजवाए। पानी बंद नहीं हो रहा है, शासन नहीं कर रहा है, फालतू पानी भाग रहा है तो कैसे खेती करेंगे? गर्मी में खेती नहीं होगा ना। इन साल भी मरा है कोदमा में क्षेत्र में हमारा हैं, तो ऐसे भी आज मरेगा कल भी खेती होगा नहीं मरेगा हैं, तो इसी को कैसे हालत से गेट को बंद करना चाहिए। इस योजना के नहर के मुख्य द्वार को गांव के ही कुछ शरारती तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ कर दिया गया है, जिसको बंद करने का प्रयास किया गया किंतु बिना तकनीकी अमलों के यह कार्य नहीं हो पा रहा है। विभाग के द्वारा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और तकनीकी अमलाओं को भी दे दिया गया है। तकनीकी अमला अति शीघ्र सुधार कार्य करेंगे।